हमीरपुर में बारातियों से भरी बस और डंपर की जोरदार भिड़ंत में दर्जन भर से अधिक लोग घायल हो गए। घटना के बाद लोगों में चीख पुकार मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। मामला जनपद हमीरपुर के सदर कोतवाली का है, जहां पर कुछेछा के पास नेशनल हाईवे 34 पर बारातियों से भरी बस की टक्कर डंपर से हो गई। इस भीषण सड़क हादसे में बस पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी, साथ ही बस में सवार 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के वक्त लोगों में चीख पुकार मच गया। घटना के बाद राहगीरों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस की मदद से सभी घायलों को सदर अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया गया, जहां से दो की हालत गंभीर होने पर उन्हें कानपुर रेफर कर दिया। पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया कि सभी घायलों का उचित इलाज कराया जा रहा है, साथ ही मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। थाना कोतवाली क्षेत्र में कुछेछा के पास एक पेट्रोल पंप है, वहाँ से एक गाड़ी निकल रही थी और दूसरी ओर से एक बस आ रही थी जिसमें कुछ बाराती थे। जो बारात वाली बस थी उसके ड्राइवर ने शराब पी रखी थी और गाड़ी को आता हुआ देख उसमें जब बचाने का प्रयास किया तो सामने एक ट्रक से इस बस की भिड़ंत हो गई। जो बाराती थे उनमें से कुछ 13 लोग घायल हुए, जिनमें से 2 लोगों को यहाँ से तत्काल कानपुर रेफर किया जा रहा है, बाकी अन्य लोगों का यहाँ उपचार चल रहा है। सभी लोग की स्थिति वर्तमान में सामान्य बताई जा रही है। जो भी इसमें आवश्यकता है वो सारी पूर्ण की जा रही है। इन सभी का उचित इलाज कराया जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। हमीरपुर से मोहम्मद मुख्तार की रिपोर्ट।